हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी पर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए हरियाणा जीके का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो गाइज, इस कोर्स में हम आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कवर करवाएंगे। एक तरह से आप कह लीजिए आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उनमें आंसर नहीं गिवन होंगे, आंसर के लिए आपको ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप इस पूरे टेस्ट को डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों का क्या क्या राइट आंसर होगा। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा जीके में रहेगा संग्रहालय, अभिलेख और सभ्यता, जैसे वैदिक काल सभ्यता या फिर सीसवाल सभ्यता, उन सभ्यता से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके में पूछे जा सकते हैं वो सारा इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। तो संग्रहालय से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालयों का मुख्यालय किस जिले को कहा जाता है? राइट आंसर होगा जींद, बी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, जींद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हथियारों का संग्रहालय किस जिले में है? हथियारों का संग्रहालय वो है यमुनानगर जिले में। और अगर ये पूछा जाए हथियारों का संग्रहालय कौन सा है, उसका जो नाम है वो है कपाल मोचन। हथियारों का संग्रहालय है कपाल मोचन और वो है कहाँ पे? यमुनानगर में। तो पूछा जाए अगर संग्रहालय कौन सा है तो कपाल मोचन कहाँ पर है? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर थ्री, राज्य का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय, देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, राज्य का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए जयंती, ऑप्शन बी कपालमोचन, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी कृष्ण संग्रहालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, झज्जर संग्रहालय जो है वो सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। और साथ ही साथ देखिए ये भी आप याद रख लीजिए, जयंती संग्रहालय ये है जींद में, कपाल मोचन संग्रहालय ये है अभी हमने डिस्कस किया था यमुनानगर में, झज्जर संग्रहालय ये झज्जर में ही है और कृष्ण संग्रहालय ये है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजारी, क्वेश्चन नंबर फोर, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर पांच, दिल्ली संग्रहालय धरती के अनुसार स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा के प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा धरती पर स्वर्ग की तिथि वो है दिल्ली संग्रहालय के अनुसार 1328 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छह, किशोरी महल स्मारक कहाँ पर है? ये है ऑप्शन ए करनाल। देखिए अगर केवल किशोरी महल पूछा जाए वो है पलवल, किशोरी महल स्मारक पूछा जाए वो है ऑप्शन ए। कई बुक्स में करनाल दे रखे हैं और कई बुक्स में इसका आंसर पलवल भी दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका ए और बी हम दोनों सही कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर छह का। क्वेश्चन नंबर सेवन, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए यमुनानगर, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ है? यमुनानगर में। देखिए पहले आप किसी भी बुक को रेफरेंस देके आप उस बुक से ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए, फिर आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए तो काफी बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आठ, गौकरण तालाब किस जिले में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतक, गौकरण तालाब कहाँ है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक और संग्रहालय फ्रोजन टियर शहीद स्मारक संग्रहालय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रोजन टियर शहीद स्मारक संग्रहालय ये है अंबाला में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, जहाज कोठी संग्रहालय, जहाज कोठी संग्रहालय इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हिसार। इसके अलावा भी दो तीन संग्रहालय और बच जाते हैं, जैसे कई बार ये पूछ लेता है आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, उसका आंसर होगा पानीपत, या फिर राज्य में हड़प्पा कालीन जो संग्रहालय है वो कौन सा है? देखिए जो हड़प्पा कालीन संग्रहालय है वो है जयंती संग्रहालय जींद, या फिर पूछा जाए पांडवों से संबंधित संग्रहालय वो भी है जयंती संग्रहालय जींद में। और देखिए ये सारे हो गए संग्रहालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं अभिलेख से रिलेटेड, अभिलेख से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ है? ऑप्शन ए हिसार, बी जींद, सी रोहतक, डी पंचकुला। तो हरियाणा राज्य का अभिलेखागार जो है वो है पंचकुला राज्य में, तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में।
तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, पंचकुला। नेक्स्ट जो टोपरा अभिलेख है, देखिए अब हम अभिलेख टॉपिक पर आ गए, अभिलेख से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। टोपरा अभिलेख की लिपि क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें जी, जो टोपरा अभिलेख है वो राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिसकी जो लिपि है वो होगी ब्राह्मी लिपि। और साथ ही साथ जो कुल संख्या है टोपरा अभिलेख की वो भी आपने याद रखनी है, वो होगी टोटल 7। तो टोपरा अभिलेख की इस क्वेश्चन में केवल लिपि पूछी गई है, तो वो होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। और अगर ये पूछा जाए टोपरा अभिलेख कुल कितने हैं, तो उसकी संख्या है टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अशोक के राज्य से कुल कितने अभिलेख मिले? सम्राट अशोक के राज्य से जो कितने अभिलेख मिले, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 33। टोटल जो अभिलेख मिले थे अशोक, सम्राट अशोक के राज्य से, वो 33 मिले थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, अभिलेख से रिलेटेड जितने पूछे गए हैं हरियाणा जीके में। तो क्वेश्चन नंबर 14, किस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? इसका जो आंसर होगा वो है लाडनू अभिलेख। तो लाडनू अभिलेख से पता चला कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लाओस के राजा द्वारा किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है? यह भी काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखने को मिला था, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। तो लाओस के किस राजा द्वारा किस मीन्स किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया था, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ख्रोस्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ मिला? देखिए जो ख्रोस्टी लिपि में लिखा गया था वो अभिलेख कहाँ मिला है, तो आंसर बी करनाल। ख्रोस्टी लिपि का जो अभिलेख करनाल में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन व पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? देखिए जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में, उसका जो वर्णन है वो मिलता है ऑप्शन डी, ए होल अभिलेख। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चलते हैं, सभ्यता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में अब तक संग्रहालय से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो कवर किए, फिर अभिलेख से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो हमने कवर किए। अब हम देखते हैं सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। सभ्यता से रिलेटेड देखिए, वैदिक सभ्यता, सीसवाल सभ्यता, इस तरह से जो सभ्यता है वो हमने कवर करनी है। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? ए यमुना, बी सरस्वती, सी मारकंडा और डी ऑप्शन गंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 19, दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी, इसका आंसर ऑप्शन ए हस्तिनापुर। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में सीसवाल सभ्यता से संबंधित कुल कितने स्थल मिले हैं? तो हरियाणा में जो सीसवाल सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल टोटल कितने मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन डी 29। तो मैंने आपको पहले बोला है सभ्यता में हम टोटल 3 सभ्यता मेनली करने वाले हैं, वैदिक, सीसवाल और सिंधु। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे वीडियो में हम कवर करते जाएंगे। तो जैसे अभी सीसवाल सभ्यता का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीसवाल सभ्यता से कुल कितने स्थल मिले हैं, तो डी इसका आंसर होगा 29। सीसवाल किस जिले में पड़ता है? तो सीसवाल सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिल गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा हिसार। सीसवाल किस जिले में पड़ता है वो होगा हिसार जिले में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सीसवाल सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो एक सीसवाल सभ्यता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन बी चेतांग नदी। सीसवाल सभ्यता का विकास चेतांग नदी के किनारे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है कांस्य युग किस सभ्यता में आया? वैदिक, सीसवाल या सिंधु घाटी। देखिए 3 सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैदिक, सिंधु या सीसवाल। तो कांस्य युग जो आया था वो आया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन स्थल। देखिए अब सिंधु घाटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया
तो इसका जो सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन स्थल जो माना जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक में पूछा गया सिंधु घाटी का प्राचीन स्थल और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल। दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अलग-अलग है। तो सिंधु घाटी का जो प्राचीन स्थल है वो है ऑप्शन ए बिल्डाना, लेकिन जो सबसे बड़ा स्थल है वो अभी हमने पढ़ा है राखी गढ़ी, जो कि हिसार जिले में है। तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो राखी गढ़ी, लेकिन सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन स्थल वो है बिरडाना। और साथ ही साथ गाइज, बिरडाना किस जिले में है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो आंसर है बिरडाना वो किस जिले में है, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस जरूर कमेंट करके बताएं कि बिरडाना किस जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उल्टे वी के आकार के जो वर्णागर वो कहाँ मिले हैं। तो उल्टे वी के आकार के जो वर्णागर मिले हैं वो मिले हैं कुणाल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 27, किस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे वो थे सीसवाल सभ्यता के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभ्यता हमने पढ़नी है डिटेल में सीसवाल, सिंधु और वैदिक सभ्यता, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। 28, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहां मिला। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला, वो मिला राखीगढ़ी, जो कि हम पढ़ चुके हैं हिसार जिले में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बैल गाड़ियों के पहिए के निशान कहाँ मिले हैं। बैल गाड़ियों के पहिए के निशान मिले हैं बनावली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनावली। तो बनावली हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो बैलगाड़ियों के पहियों के निशान बनावली जिले में। क्वेश्चन नंबर 30, तांबे के 13 छल्ले कहाँ मिले। तांबे के जो 13 छल्ले मिले हैं मिताथल, जो कि भिवानी जिले में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान, इसका जो आंसर होगा वो होगा फरमाना खास। तो फरमाना खास जो है वो हरियाणा में रोहतक जिले में है। तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ मिला, वो मिला फरमाना खास। क्वेश्चन नंबर 32, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के कहां से मिले। आंसर इज ऑप्शन डी कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काले रंग पर सफेद चित्र, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, काले रंग पर सफेद जो चित्र है वो किस संस्कृति की विशेषता है। तो इसका जो आंसर होगा सीसवाल सभ्यता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो सीसवाल सभ्यता में ही ऐसा होता है, काले रंग पर जो सफेद चित्र जो मिले है वो सीसवाल सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 34, 7 स्वरों की ईंट कहां से प्राप्त हुई। ऑप्शन सी अग्रवा से, 7 स्वरों की जो ईंट प्राप्त हुई अग्रवा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, त्रिविक्रम विष्णु भगवान जी की मूर्ति कहां से मिली। ऑप्शन डी सीवन, आंसर होगा इसका सीवन से। क्वेश्चन नंबर 36, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से मिले। आंसर इज खोखरा कोट। क्वेश्चन नंबर 37, वह मूर्ति जिस पर कई संगीतकार बैलगाड़ी पर बैठे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी प्रीवियस ईयर्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, वो मूर्ति जिस पर कई संगीतकार बैलगाड़ी पर बैठे ये कहां से मिली। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सूद जगाधरी यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, समुद्र गुप्त के सोने के सिक्के, आंसर इज जगाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, आंसर इज ऑप्शन सी थानेसर। जो सूर्य स्तंभ पर जो मूर्ति बनी हुई मूर्ति मिली थी वो थानेसर से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 40, रामायण के श्लोकों का फलक, ऑप्शन डी नचारखेड़ा, इसका आंसर होगा नचारखेड़ा। 41, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर की टकसाल, इसका आंसर होगा नारनौल। अकबर की जो टकसाल मिली है वो मिली है नारनौल से। अगेन गाइस, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने इन क्वेश्चनों की पहले प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप आंसर देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। सिंधु घाटी जो संग्रहालय,
इसकी स्थापना की गई राखीगढ़ी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। फरमाना खास किस जिले में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फरमाना खास जो है वो है रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 45, हाकड़ा संस्कृति की प्रमुख नदी कौन सी है। देखिए संस्कृति से हमने मेनली तीन संस्कृति तो हमने पढ़नी थी, साथ साथ अगर हम हाकड़ा संस्कृति की बात करें, उस हाकड़ा संस्कृति में जो प्रमुख जो नदी है वो होगी ऑप्शन डी गंगर, इसका राइट आंसर होगा। देखिए हाकड़ा संस्कृति से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने हम पहले बात कर चुके हैं, जितने वैदिक सीसवाल या फिर सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हाकड़ा संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस आप हाकड़ा संस्कृति से रिलेटेड ये याद रख लीजिए, हाकड़ा संस्कृति की जो प्रमुख नदी गंगर है। सफेद काले तथा आसमानी रंग कांच की चूड़िया व तांबे की चूड़िया कहाँ से मिली, ये मिली है ऑप्शन ए भगवानपुर से। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना कब की गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1976 में। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहाँ पर है। देखिए अगर हम टोपरा अभिलेख से रिलेटेड अगर बात करें, फिलहाल जो वर्तमान में जो टोपरा अभिलेख है वो है दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोपरा अभिलेख से रिलेटेड एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि टोपरा के अभिलेख को कौन सा शासक चुराकर दिल्ली से ले गया था, मतलब टोपरा अभिलेख को चुराकर दिल्ली ले गया था वो कौन सा शासक था, वो था फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा अभिलेख से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, टोपरा के अभिलेख को कौन सा शासक चुराकर दिल्ली ले गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लसन के अवशेष कहाँ मिले हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा बालू। क्वेश्चन नंबर 50, विचित्र पशु कहाँ से मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विचित्र पशु कहाँ से मिला जिसकी धड़ शेर की तरह है और सींग बैल की तरह है, ये कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बनावली से ये मिला है, जिसकी जो धड़ है वो तो शेर की तरह है और जो सींग है वो बैल की तरह। नेक्स्ट, हाकड़ा संस्कृति के सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले, वो मिले थे कुणाल से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, मानव कृषि के सबसे पहले जो शख्स है कहाँ से मिले, किस सभ्यता से मिले थे, वो है सीसवाल सभ्यता, सीसवाल से। किस जगह से मिले पूछा हुआ है, तो आंसर होगा सीसवाल से। तो क्वेश्चन नंबर 53, रामायण से संबंध रखने वाली पंचवटी हिरण की मूर्ति कौन से संग्रहालय में रखी गई है। तो जो पंचवटी हिरण की मूर्ति जो रामायण से संबंधित है वो रखी गई है झज्जर संग्रहालय, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा झज्जर संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 54, लीला धरण स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है। देखिए जो एक दो संग्रहालय रह गए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, लीला धरण जो स्मारक सरस्वती संग्रहालय है वो है सिरसा, लीला धरण स्मारक वो है सिरसा। क्वेश्चन नंबर 55, होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय, देखिए रिपीट कर देते हैं, होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय कहाँ है, ये है गुरुग्राम में, इसका आंसर होगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 56, रोहतक के विष्णु मंदिर की जानकारी देने वाला अभिलेख, आंसर मोहन जोदड़ो अभिलेख, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष व पुष्यभूति वंश की जानकारी देने वाला जो संग्रहालय है, हर्ष व पुष्यभूति वंश की जानकारी देने वाला अभिलेख पूछा गया है, तो ऑप्शन सी ताम्रपत्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, संगीत के इतिहास से संबंधित 7 स्वरों का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो मिलता है ऑप्शन ए टेबलेट अभिलेख। पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिरसा। क्वेश्चन नंबर 60, मान हेरू चांग तिगड़ाना ये किस जिले में है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन ए भिवानी जिले में। क्वेश्चन नंबर 61, बादली लोहट बारसा सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल किस जिले में है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 62, द्वारका व जोखी सेठ की हवेली कहां पर है, तो ऑप्शन सी झज्जर।
क्वेश्चन नंबर 63, राजयोगी दादी प्रकाश मणि ने किस संग्रहालय की स्थापना की? उन्होंने करी थी आध्यात्मिक संग्रहालय की, जो कि पानीपत में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ए, आध्यात्मिक संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन भी आपने आप कई कम्पिटेटिव एग्जाम में HSSC के देखा होगा। शेर शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, फिजूलपुर सोनीपत, इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस, आज हमने इस वीडियो में संग्रहालय, अभिलेख या सभ्यता से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और साथ ही साथ गाइज, आपने इन टोटल 64 जो क्वेश्चंस है, पहले आपने PDF से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और आपने फिर राइट आंसर मिलाने के लिए आपने ये वीडियो देखनी है, और आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपके 64 में से टोटल कितने राइट आंसर है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ गाइज, इनसे रिलेटेड संग्रहालय, अभिलेख या सभ्यता से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो सके, वो जब ये कमेंट पढ़े तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी उनके कवर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी के साथ। धन्यवाद।